हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, मेरा नाम है ईशान देवल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल लोडपॉट। जी हाँ गाइस, इस चैनल पर मैं अपने टेक से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। और अगर आपको लगता है मैं बच्चा हूँ और मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, गाइस ऐसे सोच के वीडियो को मत देखा करो यार। इससे बेस्ट तो यही है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही सॉल्यूशन बताता हूँ। और शायद आप बच्चा समझ के मना कर देते होंगे कि नहीं सही नहीं बताता, पर मैं 100% गारंटेड देता हूँ आज की जो वीडियो है ना वो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी ये ट्रिक काम नहीं कर पाई तो। या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुम्हें मेरी कोई सी भी वीडियो मिले सबसे पहले। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक्शन कैमरा की। जी हाँ यार, एक्शन कैमरा ये इंडिया में ज़्यादातर हर एक इंसान ने ले रखा होगा, ज़्यादातर मतलब जो भी होते हैं उन सब ने ले रखा होता है। तो वैसे तो ये जो इसका मेन पर्पस होता है वो जैसे बाइकर्स हो गए, साइकिल जो साइकिल चलाते हैं, साइकिलर्स हो गए, बहुत सारे लोग जो भी आपने याद ही होगा आप लोगों को कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, उनके पास कुछ लोगों के पास ये भी कैमरास होते हैं। जैसे बहुत लोग कुछ स्टंट अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूर यूज़ करते हैं, गोप्रो के कैमरास हो गए। आप इसके बारे में सर्च कर लेना, एक एक्शन कैमरा के बारे में आपको यूट्यूब पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ये टर्न ऑन नहीं होता बटन दबाने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले बी काम, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके ये देख लीजिए, अगर आपके कैमरा में इनमें से कोई चार प्रॉब्लम आई है, वो टर्न ऑन नहीं हो रहा, स्क्रीन ब्लैक है, कुछ एलईडी नहीं जल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा चार्ज लगाने के बाद भी और बिना लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे डेड पड़ा है, ख़राब है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो बिल्कुल ठीक है गाइस। जी हाँ, एक्चुअली ये कैमरा जो होते हैं ये डीप स्लीप ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मैंने पढ़ा। आसान भाषा में इसको डीप स्लीप ही कहते हैं। तो कब क्या होता है, जब हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते किसी एक्शन कैमरा को, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपने इसको कहीं रख दिया और एक दो हफ्ते से, एक आधे महीने से इसको यूज़ नहीं किया, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ गाइस, तो अब इसकी जो प्रॉब्लम है आपको तो पता लग गई कैसे हुई है। तो गाइस, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या है? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले इसको एक बार चार्ज पे लगा के देख लेना। कभी कभी क्या होता है, इसकी बैटरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो टर्न ऑन नहीं होता। तो एक बार चार्ज पे लगा के देखना, क्या पता चार्ज होती है ये ठीक हो जाए, तो फिर आपका बिल्कुल प्रॉपर चलेगा। पर अगर चार्ज होने के बाद भी नहीं चल रहा तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करें, जो इसका पीछे का कैप होता है जहाँ पर बैटरी सेफ होती है, आप कैप को हटा दें। ठीक है, मैंने कैप नीचे छोड़ दिया। और इसकी जो बैटरी है इसको अलग निकाल लें इसके अंदर से, और दोनों को अलग अलग रख दें किसी भी सेफ प्लेस पर जहाँ पर ये 15 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही रहें, एक जगह रख दिए तो। तो ऐसे रखने के बाद आपका कैमरा बिल्कुल सेफली चलेगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सेफली चलेगा। पर अगर आपका 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ख़राब हुआ है, तो गाइज इसकी एक्चुअली में एक गारंटी आती है। आपको मिला होगा जब भी आपने कोई सा भी कैमरा लिया होगा, ज़रूरी नहीं ये नॉइस प्ले का है, आपने कोई और लिया होगा, वैसे फंक्शन सबके सेम ही होते हैं जो भी लोअर प्राइजेस के होते हैं, तो पर वर्क अच्छा करते हैं इसलिए। तो क्या कर सकते हैं आप, उसकी गारंटी कार्ड है वहाँ से स्टोर पर जाके आप एक्सचेंज करा सकते हैं इस कैमरे को। पर गाइस, जैसे कि एक्सेसरीज हो गई, इसका केस हो गया वाटरप्रूफ, ये सब वापस नहीं होने वाला क्योंकि वो सिर्फ कैमरा वापस करेंगे। तो गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो गाइज मैं 100% कह रहा हूँ गारंटी से कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, एक बार आप करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हुई या इससे अलग प्रॉब्लम है आपके कैमरा में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका भी सॉल्यूशन ढूंढूंगा। पर अगर आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए, वहाँ से अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो यही सॉल्यूशन है आपके पास। तो बस गाइस, यही है इसका सॉल्यूशन। पर आप में से बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सबके कैमरा तो अलग अलग है, ज़रूरी नहीं सेम ही हो प्रॉब्लम, मैं आपको दिखाता हूँ आखिर होता है। गाइस, मैंने कहा था कि सारे कैमरा सेम ही होते हैं, तो हाँ गाइस एक्चुअली में सारे कैमरा सेम ही होते हैं। ये आप देखेंगे ना एक बार इसका इंटरफेस तो सब सेम होगा, बस अलग क्या होता है इसका कवर। आप इसके कवर को खोल सकते हैं, यहाँ से आप पिन लें और इसको ऐसे खोल लें, ये खुल जाएगा। आप उंगली से भी खोल सकते हैं, इसके नाखून बड़े हैं, ये टूटा नहीं, आराम से खुल जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस बस ये चीज़ अलग होती है, बाकी हर एक कैमरा एक्चुअली में सेम ही होता है। और ये दूसरा मेथड है जिससे शायद आपका कैमरा काम कर जाए, कभी कभी क्या होता है येलो वाला ये जो बटन देख रहे हैं, ये कवर की जो पिन सी होती है अंदर चुभती है, जो इस पर वो ढीली हो जाती है, इसलिए ये दब नहीं पाता। तो एक बार आप इसको यहीं से दबा के देख लें,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल गई। तो ऐसे अगर आपका शायद चल जाए, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि क्या पता आपके कैमरे में कोई ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिन जिनको भी इसकी ज़रूरत है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए।